टीम्स बॉयज़ और गर्ल्स हमारा एज ग्रुप है, तो इसमें हमारी 14 स्टेट जो हैं इसमें भाग ले रही हैं। तो ये हमारा फेंसिंग का कंपटीशन है जी। तो ये हमारा 67 जैसे आप देख रहे हैं लिखा हुआ है, तो नेशनल स्कूल गेम फेडरेशन ऑफ इंडिया जो हमारी कमेटी है। बच्चों में उत्साह की जहाँ तक आपने बात की है कि ये नेशनल लेवल की हमारी टूर्नामेंट रहती है, तो इसका एक अलग ही बच्चों में उत्साह रहता है। और ये हर साल हमारी टूर्नामेंट रहती है, पिछले 2 साल हम इसको ऑर्गेनाइज नहीं कर पा रहे हमारी SGFI कोरोना की वजह से, तो अभी फिर से ये शुरू हो गया। जम्मू कश्मीर में कौन कौन से स्कूल से जो है बच्चे आए जिन्होंने पार्टिसिपेट किया हुआ है इसमें? हमारे सभी डिस्ट्रिक्ट, जितने भी हमारे यूटी के 20 डिस्ट्रिक्ट हैं, सभी डिस्ट्रिक्ट से बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं। मैं आपकी जानकारी के लिए बताऊँ आपके माध्यम से जनता के लिए कि हमारे स्टेट में यूटी में 45 इवेंट्स जो हैं जू सर्विस एंड स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट जो है ऑर्गेनाइज करता है और बच्चों को इसमें पार्टिसिपेट करवाता है और इसके लिए फैसिलिटी जो प्रोवाइड करता है। यंगस्टर्स के लिए क्या एक मैसेज आपकी तरफ से रहेगा, जिस तरह से अंडर 19 अभी खेला और बढ़ चढ़कर आज की युवा जो है वो इसमें पार्टिसिपेट कर रही है, कितना अच्छा? मैं आपके माध्यम से यंगस्टर्स से ये बोलना चाहूँगा कि आप इस स्पोर्ट्स को एज ए प्रोफेशन भी चूज कर सकते हैं, आप इसको ले सकते हैं। और पढ़ाई के साथ साथ मैं आपके माध्यम से पेरेंट्स से भी कहूँगा कि खेलों से जुड़ें फिजिकल फिट रहने के लिए। आज के मशीनी युग में फिजिकल फिट रहना भी एक चैलेंज है, तो पढ़ाई के साथ साथ आप खेलों से भी जुड़ें ताकि इसमें अपना कैरियर बनाएं और फिजिकल फिट रहें। तो ये हमारे उज्ज्वल जी हैं, इंटरनेशनल प्लेयर हैं, जी आपको फेंसिंग के बारे में बताएंगे। डिफिकल्ट तो इसको नहीं कहें, जो सारे स्पोर्ट्स हैं वो हर स्पोर्ट्स से डिफिकल्टी रहता है, सबके अपने अपने चैलेंजेस होते हैं। पर आई कैन से फेंसिंग है, इट्स ए फर्स्ट टाइम है 67 स्कूल नेशनल गेम्स में फेंसिंग आई है, इट्स क्वाइट ए बिग थिंग। आई वी होपिंग फॉर द बेस्ट, वी कैन डू अवर बेस्ट। नहीं नहीं, इट्स ऑल अबाउट द इंजरी फ्री स्पोर्ट्स, मैं कहूँगा इतनी ज़्यादा इंजरीज इसमें नहीं है। क्या बोलोगे, एज कम्पेयर टू अदर स्पोर्ट्स वी आर प्लेइंग विद द फुल गैजेट्स एंड फुल उसके साथ खेलते हैं, इतना नहीं है। पुराने टाइमों में तलवारबाजी होती, वैसा नहीं है। इट्स अ फुल हाई टेक स्पोर्ट्स, यू लव एंड एंजॉय, इट्स फुल अबाउट द इलेक्ट्रॉनिक स्पोर्ट्स। बट यू से मैसेज यही है कि मैं तो यही एक यंगस्टर्स को यही मैसेज दूंगा कि आपको स्पोर्ट्स करना चाहिए। आई डोंट वांट टू से कि फेंसिंग करनी चाहिए, हर एक स्पोर्ट्स करना चाहिए। स्पोर्ट्स से आपको एक करेक्टर बिल्ड होता है, आपको एक मार्गदर्शन मिलता है लाइफ का और एक आप चीज़ें सीखते हो। मैं रशीद अहमद चौधरी हूँ, आई एम इंटरनेशनल फेंसिंग फेडरेशन क्वालिफाइड रेफरी एंड आई एम द कॉम्पिटिशन डायरेक्टर ऑफ दिस 67th नेशनल स्कूल गेम्स फेंसिंग इवेंट। तो यहाँ पे हमारे ऑल इंडिया से जो टीम्स आ रखी हैं वहाँ पे जो फेंसिंग का अंडर 19 कॉम्पिटिशन हो रहा है, फर्स्ट टाइम जो यहाँ पे हो रहा है, जो डायरेक्टरेट ऑफ यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स है जिसका ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव है कि जिसने यहाँ पे जो है फेंसिंग के इवेंट जो हैं वो ऑर्गेनाइज कराए हैं। फेंसिंग इवेंट्स में अगर आपको बोलें कि फेंसिंग में काफ़ी जो है वो स्कोप है और JNK की जो फेंसिंग टीम है काफ़ी अच्छी है, जिसका इंडिया में काफ़ी नाम है। और थैंक यू।